गाइस, तो मैंने एक 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी कतर पे। उस वीडियो को लगभग 15,000 से भी अधिक लोगों ने देखा, उसके लिए थैंक्स। और पहले मैं आपको बता दूं, मेरे 20,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, उसके लिए थैंक्स। आप लोगों को इतना सारा प्यार मिला आप लोग का। और मैं आपको बताऊँ, कई लोगों ने बेसिकली उसी वीडियो पे, 10th और 12th पास वाली वीडियो पे कमेंट किए हुए थे कि भाई आप ये बताओ कि जो आपने बेसिकली उस वीडियो में कई सारे जॉब्स बताए हैं जो कि आप 10th और 12th के बाद कतर में कर सकते हो, वो सब तो ठीक है, बट आपने उसमें थोड़ा सा पेंटिंग वर्क के बारे में बताया था, जो कि वॉल पेंटिंग होते हैं, फ्लोर पेंटिंग होती है, जो पेंटिंग का काम होता है बेसिकली, ये हम कैसे कर सकते हैं कतर में, कितनी सैलरी मिल जाती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है करने के लिए। मैं आपको बताऊँ, बेसिकली कई सारे लोगों ने प्रोफेशनली ये काम किया हुआ है, 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये काम सीखा हुआ है, ठीक है, आज उनका साथ में रह करके एज ए हेल्पर के तौर पर या फिर किसी तरीके से काम सीखा हुआ है, ठीक है, उनको भी काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो सकता है। कई लोग फ्रेशर भी होंगे, तो फ्रेशर भी कितनी सैलरी मिलती है, आप लोग को रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, पहले मैं आप लोग को रिक्वायरमेंट शेयर करता हूँ जो आपको जरूरत पड़ेगी, फिर मैं सैलरी बताऊंगा। पेंटर की काफी अच्छी सैलरी मिलती है कतर में, मैं शेयर कर देता हूँ, पहले आप रिक्वायरमेंट सुन लो। देखो, रिक्वायरमेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन, इसके लिए आपको 10th और 12th पास होना चाहिए। वीजा के लिए कुछ डॉक्यूमेंट है, बेसिकली पहला है आप लोग का क्वालिफिकेशन कॉपी, सेकंड है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि विदाउट इसके आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हो, मेडिकल में कोई कमी रहती है तो दिक्कत आती है जॉब में, तो ये चीज़ ध्यान देना, मेडिकल अपना परफेक्ट रखना। थर्ड होता है बेसिकली आप लोग का वैलिड पासपोर्ट, फोर्थ होता है आप लोग का आइडेंटिटी प्रूफ, बेसिकली आपको यही आता है, आपके फोटोग्राफ्स हो गए, आपके जो भी अगर आप इंडिया से हो तो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपकी वैलिड पासपोर्ट हो गए, ये आइडेंटिटी में लगती है, आपकी क्वालिफिकेशन कॉपी हो गई, ठीक है। तो बस ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ते हैं, और तो कुछ खास नहीं है, कुछ भूल गया हो तो कमेंट कर देना। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। देखो, इसकी जो ऑन एंड एवरेज सैलरी डिपेंड करती है आपके वर्किंग एक्सपीरियंस के ऊपर, जितना अच्छा एक्सपीरियंस रहता है इसमें उतनी अच्छी सैलरी मिलती है। बट एवरेज एवरेज की बात करें, 1800 कतरी रियाल से लेकर के लगभग 3500 तक अर्न कर सकते हो मंथली, डिपेंड करता है आप किस टाइप के हो, कितना आपका एक्सपीरियंस है उस सारे के ऊपर। हैव नाइस डे, आप लोग कोई डाउट कमेंट करो। बाय बाय।